और बोल। मैं हूँ जियान, सबसे अच्छा मेरा गाना। ठीक है, बढ़िया। वेलकम टू द अर्बन योगी क्लब। वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, गली क्रिकेटर की एडिशन 4 में आप सभी का स्वागत है। और हम पहुंच गए हैं सेकंड ओडीआई के बाद फाइनल की तरफ। आफ्टर ऑल द ड्रामा वी हैव बीन थ्रू इन द लास्ट 50 ओवर ओडीआई, मतलब इट वाज अमेजिंग। 337 का चेज जो इंग्लैंड ने किया, दैट वाज सिंपली फैंटास्टिक। और मजा ही आ गया, मजा ही आ गया स्टोक्स की 43.2 ओवर्स बैटिंग में। अमेजिंग। और बैटिंग देखे तो इतना मजा आया, 10 छक्के जो उसने मारे हैं लपेट लपेट के, ओहो स्वाद ही आ गया। स्टोक्स को बताना भूल गए थे कि टारगेट 337 है, 437 नहीं है। वो बेचारा थोड़े धोखे में था और खेलता रह गया। वैसे इंडियन टीम ने काफी अच्छी शुरुआत की थी। रोहित शर्मा अच्छा खेल रहे थे इनिशियली, बट आई थिंक जल्दी विकेट गवा बैठे शिखर धवन। आफ्टर दैट गुड पार्टनरशिप विद विराट कोहली थोड़ी सी रही उनकी, एंड देन केम इन टू प्ले ऋषभ पंत, के एल राहुल, एंड दैट वाज फैंटास्टिक 100 बाय के एल राहुल। एंड यू नो काफी सॉलिडिफाई कर दी उन्होंने अपनी पोजीशन, सो आई एम रियली ग्लैड दैट के एल राहुल केम अप टू द चैलेंज। जितना T20 में उनको क्रिटिसाइज किया गया था, उतना ही अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने ओडीआई में दी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, और विदाउट अ डाउट आई थिंक दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ फॉर्मेट्स जो इस फेज ऑफ करियर में उनको सबसे ज्यादा सूट कर रहा है, मतलब एज फार एज आई थिंक। एंड इफ इफ यू कैन कॉन्सेंट्रेट अ लिटिल मोर विद विद द एक्सेप्शनल बैटिंग दैट ही हैज, और आईपीएल अभी आ ही रहा है, सो दैट विल अगेन बी द पोजीशन एज वेल, जिस पोजीशन पे वो खेल रहे हैं उसके 5th नंबर पे, वो पोजीशन उनको काफी सूट कर रही है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, और जिस तरह का उनका बैटिंग स्टाइल है, ही बैट्स इन अ मच कंपोज एंड स्टाइलिश वे, एंड बहुत ही स्टाइलिश बैट्समैन तो है ही, एंड चौके छक्के बहुत ही क्लासिक ड्राइव्स देखने को मिलती हैं जब भी व्हेन यू सी केएल राहुल। सो ही इज एन अमेजिंग बैट्समैन, एंड आई एम ग्लैड दैट ही मेड अ बिग कमबैक। अनफॉर्चूनेटली इंडिया हार गई, बट चलो देयर वाज समथिंग ऑफ अ हाईलाइट फॉर अस टू लुक फॉरवर्ड टू। हार जीत लगी रहती है, बट दोनों टीम्स ने बहुत अच्छा खेला। अमेजिंग क्रिकेट देख के मजा आया, बहुत मजेदार था। और तारीफ करना तो बनता ही है, मतलब बेन स्टोक्स एंड जेसन रॉय, जॉनी बेस्टो, जेसन रॉय फाइनली 50 बना गए। फाइनली आफ्टर सूखा जो उनका पड़ गया था 50s का, 40s में जनरली आउट हो जाते हैं, इट वाज रियली पुटिंग हिम अंडर प्रेशर। So that was good to highlight tha Ben Stokes ki innings. Oh my god, that 51 was ball, fantastic. 99, 50 second ball pe fantastic. Agar aap mein se kisi ne Ben Stokes ki inning nahi dekhi hai second T20, second ODI mein, to I'm please sabse request hai go and watch that inning. It is amazing. Marvelous. 99, amazing 99. और जो मतलब जो उसकी लहराता हुआ जब बैट आता है, वो छक्का मारता है ना उस लहराते हुए बैट से, मतलब 2 सेकंड पहले आदमी को इंट्यूशन आती है कि पढ़ने वाली है अब तो। तो अब व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू फॉर द थर्ड एंड फाइनल मैच? मुझे तो इंग्लैंड के चांसेस इस समय ज्यादा लगते हैं, बिकॉज द फॉर्म दे आर इन। उन्होंने फर्स्ट ओडीआई में भी बहुत अच्छा खेला था, जस्ट कुछ विकेट जल्दी गिर गए, उस वजह से वो मैच हार गए, बट दे आर प्लेइंग अप टू देयर यू नो कैलिबर। फर्स्ट रैंक है, नंबर वन टीम है, तो फॉर अ रीजन है। 43.2 ओवर्स में 337 चेस करना वाज नॉट अ केक वॉक, ऑफ कोर्स, बट दे मेड इट अ केक वॉक। इंडीड दे जिस तरह से उन्होंने खेला, लाइक उससे ऊपर मुझे लगा नहीं कि मतलब कुछ और खेला जा सकता था। द वे इंग्लैंड टीम प्लेज ओडीआई, मुझे लास्ट 4-5 ईयर्स में उनसे अच्छी कोई टीम दिखी नहीं। इंडियन टीम ऑब्वियसली उनको टक्कर दे सकती है, बट ऑलवेज एक एज लेके जाती है इंग्लैंड टीम ऊपर थोड़ा सा। एब्सोल्युटली, आई थिंक बेस्टो जिस तरह से तूफानी शुरुआत देते हैं और जेसन रॉय के साथ मिलके, वो लोग तो मतलब शुरू से लास्ट तक मारने में बिलीव करते हैं। और इफ यू चेक देयर टीम, आप जॉनी बेस्टो, जेसन रॉय, देन आपके पास डेविड मलान, देन मॉर्गन, देन स्टोक्स। डेविड मलान का फर्स्ट ओडीआई था, आई थिंक फर्स्ट और सेकंड था, या और एक और न्यू कमर एक और था, ब्रेट वाय मुझे लग रहा है। बट जिस तरह से पहले देखते थे हम ना, यू नो वन थिंग आई फाउंड रियली फैसिनेटिंग, जैसे बाहर की टीम आके इंडिया में डेब्यूट करके उनके डेब्यूटेंट्स हमें 100 मार देते, यू नो आई विल ग्लैड कि आज के टाइम में हमारे डेब्यूटेंट्स बाहर जाके सेंचुरीज मार रहे हैं, एंड वो उसी लेवल की क्रिकेट प्रेजेंट कर रहे हैं जो पहले तक मैं देखा है कि बाहर की टीम्स आके इंडिया में खेलती थी। और डेब्यूटेंट्स जिस तरह से मारते थे इंडिया में आके, स्टीव स्मिथ से लेके किसी भी आप बैट्समैन देख ले, सबने अपना डेब्यू इंडिया के अराउंड किया है और सबने बहुत ही धाकड़ शुरुआत की है। आईपीएल को आप इसका क्रेडिट दे सकते हैं। आईपीएल इज डेफिनेटली यू नो टू बी गिवन द क्रेडिट अबाउट इट, और जिस तरह के प्लेयर्स लाए, बट अगेन हैट्स ऑफ टू आवर यंगस्टर्स दैट आर यू नो
doing fantastic job in and jab hum youngsters ki baat kar rahe hain to my favorite Rishabh Pant unki innings aap bhool nahi sakte hain jis tarah se unhone khela that was a brilliant knock absolutely at par with pandya unhone jo jodi banayi I think it was the kind of matchup that you want to see for the last 5 overs jo wo combination chalta hai aur jo unki rally nikal to Rishabh Pant ki inning ek brilliant knock tha जैसे कि उन्होंने पांडे के साथ अपनी पार्टनरशिप की और यही इंडियन टीम को लास्ट के 5 से 10 ओवर्स में चाहिए कि आपके पास ऐसे हिटर्स हों जो आपके स्कोर को मतलब 10 ओवर में 100 से 150 तक बना सके सो दिस इज व्हाट दे डिड पांडे एंड ऋषभ पंत 120 रन पड़े लास्ट के 10 ओवर में दैट वाज द गेम चेंजर एज फार एज आई कुड सी जिसने मैच को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया अदरवाइज तो मतलब ये 30 ओवर की गेम लग रही थी अगर वो 120 रन नहीं आए थे इंग्लैंड टीम का वैसे भी हमेशा से यही मोटिव रहा है जितनी जल्दी आप चेस कर सको उतनी जल्दी कर दो दे हैव बीन इन ट्रेमेंडस फॉर्म इनके प्लेयर्स जो इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन लिया एक ड्रास्टिक चेंज आया था अगर आपको याद हो वर्ल्ड कप 2015 के बाद टीम एग्जैक्टली इन्होंने मतलब हटा दी थी पूरी सारी एकदम नई टीम बनाई वो टीम इन्होंने जब डेवलप की है तो उसके रिजल्ट्स अब मिल रहे हैं उस समय से जो इन्होंने स्टार्ट किया 2019 वर्ल्ड कप एंड अब उनको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो गए And I'm really excited to, you know, see this matchup going into the final. Or Sunday ka din hai. We'll sip a couple of cans and relax with our laptops and our screens and everything will be all set. Looking forward to the Super Sunday. To the Super Sunday, yeah. Yeah, indeed. So, you think England has a better chance of taking over India? India mein aake, matlab dena, de do aap. ठीक है मतलब बनता है T20 में हरा दिया टेस्ट में हरा दिया इफ यू वांट टू गिव इट टू देम दैट्स फाइन यू नो दैट्स फाइन विद मी इट्स नॉट लाइक दैट यू वांट टू गिव इट टू देम बट जिस तरह से इंग्लैंड की टीम की फॉर्म है ओडीआई में गोइंग मतलब उनकी फॉर्म देखते हुए आई थिंक इंग्लैंड के पास एक बेटर चांस है सीरीज जीतने का उनके पास अगर आप टीम देखते हैं सबसे ज्यादा मुझे आज की डेट में लगता है अगर ओडीआई क्रिकेट को आज जो ओडीआई क्रिकेट खेला जाता है जस्ट लेवल पे आज अगर आपको कोई मैच जीतना है तो आपका ऑलराउंडर्स का और पिंच हिटर्स का खेलना बहुत जरूरी है तो इंग्लैंड की टीम में अगर आप देखें सभी पिंच हिटर्स की तरह ही खेलते हैं जेसन रॉय जॉनी बेस्टो बेन स्टोक्स मॉर्गन बटलर दीज गाइज आर प्लेइंग लाइक उनका आखिरी मैच है इस तरह से खेल रहे हैं हर बॉल छक्का बट इनका मिडिल ऑर्डर फेल हो रहा था फॉर रीसेंट टाइम्स उनका मिडिल ऑर्डर जिस तरह से क्रम्बल कर जा रहा था इन द फर्स्ट ओडीआई वी सॉ दैट T20s में भी इसलिए हारे वो The middle order was faltering a lot and मतलब वो जो था but finally वो form वापस आई because middle order के lower order तक तो आने का मौका ही नहीं मिला you know the guys T20s all together a very different game वहाँ पे आपके पास ज़्यादा time नहीं है यहाँ पे उनके पास time है उनको analyze कर सकते हैं और इनको analyze करने में ज़्यादा time लगता भी नहीं है 10 balls ही लगती हैं शायद अब हार्दिक sorry बुमराह की बहुत याद आ रही थी उस मैच में जिस टाइम में सिर्फ एक ही बॉलर हमारे थे जिन्होंने थोड़ा सा इकोनॉमी को चेक में रखा था वैसे इतने पिटे कुलदीप यादव को तो धुआं निकाल दिया स्टोक्स ने मार मार के उसके बाद और किसको शार्दुल ठाकुर का भी किसी को नहीं बख्शा मतलब शॉर्ट बॉल्स पे छक्के पड़ रहे रोनाल्ड पांड्या शार्दुल किसी को नहीं बख्शा मतलब वो तो अब इस टाइम पे शमी और जितना हमें बुमराह याद आ रहे थे उस टाइम ये कुछ शॉर्टकमिंग्स रही है इंडिया की स्पेशली बोलिंग डिपार्टमेंट में अगर हम भुवनेश्वर कुमार को छोड़ दें T20s में भी अगर आप देखें अपार्ट फ्रॉम भुवनेश्वर कुमार कोई ऐसा इकोनॉमिकल बॉलर रह नहीं गया इंडिया के पास जो रन्स रोक सके क्रूशियल मोमेंट्स पे आके रन्स रोके जिससे मतलब थोड़ा प्रेशर बिल्डअप करे ऐसा इस समय कोई भुवनेश्वर कुमार के अलावा कोई बॉलर आप देख नहीं सकते I believe so. I mean, Bhuvneshwar Kumar as well as Bumrah is already there. But Shami, not Bumrah and Shami in this series. Okay, in this series itself. Yeah, absolutely, absolutely. I think Shardul Thakur has a quality. He has an aggression and a quality to take up wickets at crucial points in game. वो मैंने देखा है उस बंदे का. He has a knack for getting wickets and he does that. But at times जब form में आ जाएं Ben Stokes जैसे लोग तो फिर तो कहीं खड़ा नहीं होते. कॉन्फिडेंस की ऐसी धज्जियां उड़ जाती है कि आप कैसे जॉस बटलर स्टोक्स बेस्ट शो इन प्लेस के सामने अगर आप रन्स लीक कर रहे हैं ये उतना ही आपके ऊपर चढ़ जाएंगे आपको इनको थोड़ा सा कंट्रोल करना रहेगा जिससे इनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो लेकिन आपने एक बार रन दे दिए आप ऑब्वियसली आके एक मतलब 34-35 ओवर में विकेट ले जाते हैं बट तब तक अगर मैच हाथ से निकल चुका है देयर इज नो मीनिंग एब्सोल्युटली और व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस विद द नेक्स्ट मैच या तो पिच को थोड़ा स्लो करो क्योंकि जिस तरह से पिच खेल रही है पिच भी बहुत अच्छी तरह से खेल रही है इट्स होल्डिंग वेरी वेल एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली इट्स डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब तो इतने अगर हाई स्कोरिंग मैच होगा
तो बहुत इजी चांसेस हैं इंग्लैंड के जीतने के, क्योंकि इनके पास जितनी पावर है, जितनी इनके पास फायर पावर है, इजीली वो मैच निकाल सकते हैं। बट अगर थोड़ा सा लो स्कोरिंग मैच टाइप अगर हम लोग कर सकते हैं कि काइंड ऑफ थोड़ा पिच को स्लो किया जाए, थोड़ा सा लो स्कोरिंग हो, तब वी हैव अ चांस। फील्डिंग डिपार्टमेंट कितना अमेजिंग हो गया इंग्लैंड का, मतलब वो लोग 30 रन कम से कम रोक लेते हैं हर मैच में, 30 से 40 रन मोस्टली। जेसन रॉय के सामने कोहली तक भागने से डर रहा है आज के टाइम पे, ठीक है, वो ऐसा फील्डर है। तो अब समझ रहे हो आपके मतलब उनकी फील्डिंग का लेवल और जो एथलेटिसिज्म है फील्ड में वो किस लेवल पे जा चुका है, एंड यू नो दे आर डूइंग सच अ फैंटास्टिक थिंग। सो आई विश कि मतलब हमारे थोड़े से यू नो वी कैन मेक आउट फॉर दैट, मेक ओवर फॉर दैट एंड यू नो डू यू नो कम अप विद अ इक्विवेलेंट एक्सेप्शनल काइंड ऑफ फील्डिंग। हमारी फील्डिंग भी इक्वली गुड है आई बिलीव। कोहली है हमारे पास, पांड्या है, राहुल है, रोहित है, जडेजा अभी आने बाकी है, हमारे पास भी मतलब अच्छी है फील्डिंग। फील्डिंग तो ऑब्वियसली इंडिया की भी अच्छी है, डिपार्टमेंट इज वेरी गुड, कुछ थोड़ी बहुत कभी कभी हो जाता है कदा कैच ड्रॉप, हर एक आई एम सैटिस्फाइड विद द फील्डिंग ओवरऑल विद द इंडियन टीम। और होपफुली थर्ड T20 में, थर्ड ODI में भी हम यही कारनामा कर पाए, एंड विश आवर बॉयज ऑल द बेस्ट। जल्दी एक हम लोग शेयर कर सकते हैं जिसमें हम लोग इंग्लैंड की ODI 11 और इंडिया की ODI 11 बेस्ट आज तक की, उसमें हम लोग एक जल्दी आपके पास डेटा शेयर करेंगे, वो लेके आएंगे। टॉप 11, हाउ डू यू कॉल इट, मतलब बेस्ट 11 सो फार अभी तक का लास्ट 20 इयर्स में जो जो प्लेयर्स खेले हैं इंग्लैंड एंड इंडिया के लिए, वी कैन क्रिएट अ 12 मैन टीम, एक ऑब्वियसली रखेंगे एक्स्ट्रा, तो 12 लोगों की हम लोग टीम क्रिएट करेंगे। श्योर। ऑलराइट, साउंड्स गुड, फैंटास्टिक। थैंक यू अभिनव फॉर जॉइनिंग अस इन दिस एपिसोड। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग इन, एंड यू नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, डू दैट राइट अवे, एंड हैव अ ग्रेट डे गाइस। आई होप वी हैव फैंटास्टिक संडे अहेड, एंड वी विल बी कमिंग टू यू विद मोर अपडेट्स। थैंक यू।